वेलकम क्लास। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग। बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज टॉपिक वी समराइज द प्रीवियस टॉपिक्स विच आर ट्रायंगुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन एंड सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल्स, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अब तक पढ़ चुका है कि क्या होता है ट्रायंगुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फिगर्स हम लोग यूज़ करते हैं या उसका लेआउट क्या होता है। फिर हम लोगों ने बात किया आपका स्ट्रेंथ ऑफ फिगर पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर पे। फिर हम लोग का जो टॉपिक आया वो आया सैटेलाइट और सिग्नल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग सिग्नल तक कवर कर लिया था कि सिग्नल्स क्या होती हैं और कितने टाइप्स की सिग्नल होती हैं। हम लोगों ने उसमें डिटेल में बात किया था, लुमिनस सिग्नल्स पे, ओपेक सिग्नल पे। फिर हम लोगों ने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ा था ओपेक सिग्नल का, लुमिनस सिग्नल का। तो कब सिग्नल कौन सी कैसे यूज करते, कहाँ यूज करते, इन बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सिग्नल। आइडियल सिग्नल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेज ऑफ ए सिग्नल, क्या फेज होता है। फिर हम लोग बेस लाइन मेजरमेंट पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक होगा, क्लियर। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं या स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सिग्नल। आइडियल सिग्नल की कौन क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियरली विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस अगेंस्ट एनी बैकग्राउंड, ठीक है। किसी भी बैकग्राउंड के चीज में या कोई भी कैसा भी बैकग्राउंड हो, जो हमारा सिग्नल हो वो क्लियरली विजिबल हो एक डिस्टेंस से, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो हमारा सिग्नल हो वो क्लियरली विजिबल हो, जैसा भी उसका बैकग्राउंड हो। बैकग्राउंड पे कोई चीज नहीं वो रहेगा, मतलब जो भी होगा सिग्नल वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए किसी भी बैकग्राउंड के सापेक्ष या अगेंस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड प्रोवाइड इजी एंड एक्यूरेट बाइसेक्शन बाय ए टेलीस्कोप, ठीक है। जो भी सिग्नल होगा वो हमारा इजी और एक्यूरेट बाइसेक्शन हम लोग अच्छे से कर सकेंगे या प्रोवाइड करेगा विद बाय ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के द्वारा जो भी हमारा बाइसेक्शन होगा या जो भी हम लोग साइटिंग करेंगे वो इजी और एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जो सिग्नल्स हमारी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो एग्जैक्ट सिग्नल रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है जो इट शुड बी कैपेबल ऑफ बी एक्यूरेटली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क, ठीक है। जो आइडियल सिग्नल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपका स्टेशन मार्क है उसके सेंटर में वो फिक्स हो सके, ठीक है। तो बेसिकली आपके तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहला है कि किसी भी बैकग्राउंड के केस में वो क्या हो, क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट क्या है, ईजी और एक्यूरेट बाइसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसको हम लोग ईजिली प्लेस कर सके सेंटर ऑफ द स्टेशन मार्क के, क्लियर। तो ये तीन हमारी प्रॉपर्टीज थी आइडियल सिग्नल की, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्नल, सिग्नल की क्या क्या, आइडियल सिग्नल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फेज ऑफ सिग्नल, ठीक है। फेज ऑफ सिग्नल क्या होता है या सिग्नल्स के कौन कौन से फेज होते हैं या कैसे क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो व्हेन यूजिंग अ सर्कुलर शेप सिग्नल्स इल्यूमिनेशन पार्ट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जो भी हम लोग, जब भी हम लोग सर्कुलर शेप की सिग्नल यूज करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो इल्यूमिनेशन पार्ट होगा वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ सनलाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपकी सन होगी वहां से उसकी विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर हैज ए टेंडेंसी टू बाइसेक्ट द सेंटर ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट, ठीक है। जो ऑब्जर्वर हो, ठीक है, उसके पास एक टेंडेंसी, मतलब जो भी ऑब्जर्वर इन द सेंस आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इल्यूमिनेटेड पार्ट को या जो हमारी सिग्नल्स की इल्यूमिनेटेड पार्ट है उसको इजिली बाइसेक्ट कर सके या फिर रीडिंग्स की जो रिफ्लेक्शन है वो क्लियरली रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता क्या है कि अगर
ये रिफ्लेक्शन हमारा अगर इजी गोइंग नहीं हो पा रहा है या इसमें कुछ डिफ्लेक्शन क्या है एरर्स हैं, ठीक है, तो वो जो एंगुलर एरर होता है या जो रिफ्लेक्शन है वो आपके टेलीस्कोप में ना आके कहीं और जा रही हो, तो वो जो डाइवर्जन होगा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का और जहाँ पे हमारी मतलब जो एक्सपेक्टेड रे होगी, जो मतलब जो हमारी रे हमारे टेलीस्कोप में आनी चाहिए वो डाइवर्ट होके कहीं और जा रही है, तो उन दोनों के बीच में जो एरर आएगा, जो एंगुलर एरर यहाँ पे इसलिए कहा गया कि जो एरर आएगा वो क्या होगा, एंगल्स के फॉर्म में होगा, तो वो जो एंगुलर एरर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज एरर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा, फेज एरर, ठीक है, क्या कहलाता है, फेज एरर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फेज एरर, ठीक है। तो फेज एरर कैसे हम लोग रीड करते हैं या कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड एंगल मस्ट बी रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग सेंटर मार्क, ठीक है, जो भी ऑब्जर्व्ड एंगल होगा वो हम लोग उसको सेंटर मार्क की तरफ रिड्यूस करेंगे, ठीक है। दिस इफेक्ट इज मोस्ट कॉमन इन सिलेंड्रिकल सिग्नल, ठीक है, जो फेज एरर होता है वो बेसिकली आपके सिलेंड्रिकल सिग्नल में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है आपका, वो क्या है, E इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा बाई टू स्क्वायर इज अपॉन डी साइन 1 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू बाई डी इंटू 2062.65 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फेज एरर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जो आपका सन से और पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन लाइन या रिफ्लेक्टेड लाइन जो है उससे बन रहा है, वो आपका क्या होगा, अल्फा एंगल होगा, और जो डाइवर्जन एंगल है या जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी डाइवर्ट कर रही है उसके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। डी क्या है हमारा, जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सिग्नल एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ओ डैश बी द फॉल सेंटर, ठीक है, ओ डैश क्या आपका फॉल सेंटर है, मतलब जहां पे हमारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रही है, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सिग्नल एंड ए इज द ऑब्जर्वर पोजिशन, और ए क्या ऑब्जर्वर की पोजिशन है, ठीक है। ई फेज एरर इज गिवन बाई, फेज एरर आपका कैसे गिवन होगा, ई इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू डी साइन 1 डिग्री 1 मिनट इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू बाई डी इंटू 20, ठीक है, 2,06,265 सेकेंड्स, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ सन मेक विथ ओए, ठीक है, अल्फा क्या है कि वो एंगल है जो आपका ओए से सन बना रहा होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फेज एरर निकालते हैं। फेज एरर बेसिकली आपका किस में होता है, फेज एरर आपका बेसिकली सिलेंड्रिकल सिग्नल्स के केस में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टावर, ठीक है, टावर और हाइट ऑफ टावर कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं या टावर क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, टाइप्स ऑफ टावर्स क्या है या इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अ टावर इज अ इरेक्टेड एट ए ट्रायंगुलेशन स्टेशन When the station or signal or both are to be elevated to make invisibility between the station, ठीक है, टावर का हम लोग यूज कब करेंगे स्टेशन पे, जब स्टेशन सिग्नल या दोनों आपकी आपस में इंटरविजिबल ना हो, मतलब दोनों आपस में देख हम लोग नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन मार्क पे या फिर सिग्नल को हम लोग टावर पे रखते हैं, ठीक है, समझ आ गया। टावर क्या है, सिंपली जो आप लोग बेसिकली टावर क्या है, एक एलिवेटेड हाइट एलिवेटेड पोजीशन है जहां पे हम लोग स्टेशन या सिग्नल को रखेंगे जिससे कि हमारी ऑब्जर्वर पोजीशन और इंस्ट्रूमेंट पोजीशन में इजी गोइंग इंटरविजिबिलिटी बन सके, ठीक है। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ टावर डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द टेरेन एंड द लेंथ ऑफ द साइट, ठीक है, जो हाइट ऑफ टावर होगा वो आपका किस पे डिपेंड करेगा, कि जो भी ट्रेन है या टोपोग्राफी है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस लेंथ ऑफ साइट, साइट जो हम लोग लेंथ साइट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट, टावर जनरली हैव टू इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, टावर पे क्या होता है, बेसिकली दो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होते हैं, एक
आउटर स्ट्रक्चर होता है और एक इनर वन होता है, ठीक है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आउटर स्ट्रक्चर होता है, एक इनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आउटर स्ट्रक्चर इज फॉर सपोर्टिंग द ऑब्जर्वर एंड द सिग्नल, वेयर एज इनर वन इज सपोर्टिंग द इंस्ट्रूमेंट ओनली, ठीक है। जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, ऑब्जर्वर और सिग्नल को सपोर्ट करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो इनर वन होता है वो इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। द टू स्ट्रक्चर आर मेड इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर सो दैट द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर डज नॉट डिस्टर्ब द इंस्ट्रूमेंट सेटिंग, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं इंटायरली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। और इस तरह से क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो जो इनर स्ट्रक्चर है वो जो इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्जर्वर के मूवमेंट की वजह से उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए से उन दोनों को हम लोग अलग बनाते हैं, ठीक है। टू टावर्स मे बी मेड अप ऑफ मशीनरी, टिम्बर और स्टील, ठीक है। वो क्या हो सकता है, मशीनरी, टिम्बर या स्टील किसी भी कंपोनेंट से बना हो सकता है, ठीक है। टिम्बर स्कैफोल्ड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू हाइट ओवर 50 मीटर, ठीक है। टिम्बर के स्कैफोल्ड्स यूज होते हैं बेसिकली, जो आपके टावर होंगे 50 मीटर की हाइट तक के टावर में हम लोग क्या करते हैं, टिम्बर के स्कैफोल्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए एक फिगर है बेसिकली टावर का, ठीक है। देखिए टावर के जो अपर पार्ट है वहां पे लैंप प्रोवाइड है, फिर विंडो है, फिर स्क्रीन है। ये आउटर टावर है विद ब्रेसिंग्स, ठीक है। इनर टावर है विदाउट ब्रेसिंग्स, ठीक है। इस टावर का नाम है बिल्बी टावर, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ टावर है ये बिल्बी टावर है, ठीक है। अब ठीक है, इन टावर्स की हेल्प हम लोग लेते हैं, कब करते हैं हेल्प कब लेते हैं, जब आपका सिग्नल स्टेशन या दोनों के बीच में विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, मतलब कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जाता है, तो उस केस में हम लोग टावर का यूज करते हैं। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आउटर स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर होता है आपके ऑब्जर्वर और स्टेशन सिग्नल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इनर जो टावर होता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट देता है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है रेकॉग्नेंस, ठीक है। रेकॉग्नेंस क्या होता है, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म जो बोलते हैं रेकी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेकॉग्नेंस इज टू प्लान अ सिस्टम ऑफ ट्रायंगुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन लेड डाउन फॉर द टाइप ऑफ ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो जो हमारा रेकॉग्नेंस का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हमको ट्रायंगुलेशन पर्टिकुलर एरिया में करना है तो किस टाइप का ट्रायंगुलेशन हमको उस पर्टिकुलर एरिया में ले डाउन करना या ले आउट करना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है रेकॉग्नेंस का, ठीक है। ए थ्रू रेकॉग्नेंस ऑफ द एरिया कंट्रीब्यूट टू द एक्यूरेसी, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। जो रेकॉग्नेंस होता है या रेकी होती है वो आपके एरिया में एक्यूरेसी, ज्योग्राफिकल स्ट्रेंथ और इकोनॉमी को प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, अगर हम लोग अच्छे से पहले से उसकी रेकॉग्नेंस या एक तरीके से बोलते आर्बिट्रेरी सर्वे कर लिया उस पर्टिकुलर एरिया का, तो ये पता चल जाता है कि हमको पॉइंट्स कहाँ बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने के बाद हमारी लेंथ कितनी होगी, लगभग अप्रॉक्स लेंथ पता चल जाती है, प्लस हम लोग को ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म करना है ये पता चल जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा टाइम कम लगता है, टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग कम होगी, तो इस वजह से वो क्या होता है, इकोनॉमी हो जाता है सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट है रेकॉग्नेंस टीम शुड प्रिपेयर अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेशन सेलेक्टेड बाई देम ड्यू टू टू मेन रीजंस, ठीक है। जो रेकॉग्नेंस टीम होगी वो क्या करेगी कि आपके जो स्टेशन होंगे उनके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से करेगी, क्यों करेगी, उसके दो मेन रीजंस है। पहला क्या, ऑब्जर्वेशन टीम विल आइडेंटिफाई द स्टेशन फ्रॉम दिस रिपोर्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशन टीम होगी, मतलब जब हम सर्वेइंग करके जा रहे हैं तो जो हमारे रिपोर्ट को चेक करेंगे वो जो ऑब्जर्वर्स होंगे वो हमारे स्टेशन को आइडेंटिफाई करेंगे हमारे रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट, जो स्टेशन हम लोग यूज करते हैं वो काफी दिन तक यूज किया जा सकता है, इसलिए हम लोग जो रेकॉग्नेंस टीम होती है उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है इसीलिए बढ़ती है, क्योंकि वो जो स्टेशन सेट करते हैं वो स्टेशन सेट होगा नंबर ऑफ डिकेड्स, मतलब 10 साल 15 साल के बाद तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन मस्ट इंक्लूड द अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन टू द प्रोमिनेंट टोपोग्राफिक फीचर्स, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्शन होगा
वो अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर टोपोग्राफिक फीचर्स का, ठीक है। एंड एरियल फोटोग्राफ आइडेंटिफिकेशन शुड बी इंक्लूड इफ पॉसिबल, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का एक एरियल फोटोग्राफ भी ले लेते हैं, अगर हम उस समय वो पॉसिबल है कि अगर वो पॉसिबल है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एरियल फोटोग्राफ भी ले लें, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अप्रोच एंड द पाथ टू बी फॉलोड शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे उसमें मेथड ऑफ अप्रोच और कौन सा पाथ हम लोग फॉलो किए हैं वो भी हम लोग को उसमें इंक्लूड करना होता है अच्छे से, ठीक है। लोकेशन ऑफ वाटर कैंपिंग साइट एंड लोकल फूड सप्लाई कैन ऑल्सो बी नोटेड, ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में कहाँ कहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं, कहाँ पे कैंप है, कैंप इन द सेंस रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कहाँ पे लोकल फूड सप्लाईज के सेंटर हैं, उन सबको भी हम लोग नोट करते चलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिकॉग्नेंस और रिकॉग्नेंस के बारे में चीजें, ठीक है। रिकॉग्नेंस का मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि किसी भी सर्वे को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वेइंग हम लोग किस हिसाब से या कैसे करेंगे, क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमारा रेकोगनेंस, या रेकोगनेंस क्यों करते हैं, क्या उसके पीछे, और रिपोर्ट में क्या क्या हम लोग डिस्क्रिप्शन बनाते हैं उस चीजों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ ए ट्रायंगुलेशन स्टेशन। ट्रायंगुलेशन स्टेशन को सेलेक्ट करने में हम किस किस क्राइटेरिया या कौन कौन से पॉइंट को हम लोग फॉलो करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपका जनरल है, ट्रायंगुलेशन स्टेशन मस्ट बी सेलेक्टेड केयरफुली, हम लोग केयरफुली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड फंड बाय कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, ठीक है। हम लोग लॉट्स ऑफ टाइम या फंड बचा सकते हैं अगर हम फॉलोइंग पॉइंट्स का फॉलो करें तो, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है क्या, ट्रायंगुलेशन स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल, ठीक है। जो भी ट्रायंगुलेशन स्टेशन हम लोग बनाएंगे वो आपस में इंटरविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेशन शुड बी इजिली एक्सेसिबल विद द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो स्टेशन जो भी हम लोग मार्क कर रहे हैं या जो बना रहे हैं या जो ले रहे हैं वो इजिली एक्सेसिबल हो इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है। मतलब वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम लोग इजिली प्लेस कर सकें, इजिली इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग वहाँ पे ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। स्टेशन शुड फॉर्म वेल कंडीशन ट्रायंगल, ठीक है। जो स्टेशन होगा वो आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन क्या है, ठीक है। तो तीन क्राइटेरियाज थी कि ट्रायंगुलेशन स्टेशन जो हम लोग बनाएंगे वो क्या है, इंटरविजिबल होना चाहिए, ठीक है, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के साथ, और क्या है, वेल कंडीशन ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेशन शुड बी लोकेटेड सो दैट द सर्वे लाइन आर नाइदर टू स्मॉल नॉर टू लॉन्ग, ठीक है। जो भी स्टेशन हम लोग बनाएंगे उनके बीच में जो लाइन्स बनेंगी, सर्वे लाइन्स, वो ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज लाइन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, स्मॉल साइट कॉज एरर ऑफ बाइसेक्शन एंड सेंटरिंग एंड लॉन्ग साइट कॉज डायरेक्शन एरर एज द सिग्नल बिकम टू इनडिस्टिंक्ट फॉर एक्यूरेट बाइसेक्शन, ठीक है। जो स्मॉल साइट होगी या स्मॉल सर्वे लाइन होगी वो क्या करेगी, एरर देगी आपकी बाइसेक्शन और सेंटरिंग में, और जो लॉन्ग साइट होगी या लॉन्ग सर्वे लाइन होगी वो क्या करेगी, डायरेक्शन एरर प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो सिग्नल होगा वो क्या आएगा, बहुत ही वीक हो जाएगा एक्यूरेट बाइसेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशन शुड बी यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरसेक्टेड पॉइंट एंड ऑल्सो फॉर डिटेल सर्वे, ठीक है। स्टेशन जो भी होगा वो यूजफुल होगा हमारे इंटरसेक्टेड पॉइंट्स के लिए और डिटेल सर्वेइंग के लिए, ठीक है। मतलब जो भी डिटेल्स हमको उस पर्टिकुलर सर्वेइंग में बनानी होगी उसके लिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग एंड कटिंग एंड बिल्डिंग टावर शुड बी मिनिमम, ठीक है। जो भी कटिंग होगा या फिर बिल्डिंग टावर्स की जो कॉस्ट होगी या जो भी कटिंग चीज करेंगे वो हम लोग क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। नो लाइन ऑफ साइट शुड पास ओवर द इंडस्ट्रियल एरियाज टू अवॉइड इररेगुलर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर नहीं पास करनी चाहिए। क्यों नहीं पास करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, पॉल्यूशन जो भी होता है उसकी वजह से क्या होगा, हमारे रिफ्रैक्शन होंगे, ठीक है।
मेन लाइंस आर विद इन द एरिया टू बी सर्वेड, जो मेन लाइन होंगी वो क्या होगी, जो भी सर्वेइंग कर रहे हैं उस एरिया के अंदर होंगी। ठीक है, तो ये हमारे क्राइटेरियाज थी सेलेक्शन ऑफ ट्रायंगुलेशन स्टेशन की। ठीक है, क्या क्या था, ट्रायंगुलेशन इंटरविजिबल होना चाहिए, स्टेशन इजिली एसेसिबल होना चाहिए, स्टेशन जो है वो वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने चाहिए, जो सर्वे लाइंस हैं स्टेशन के बीच में वो ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो। ठीक है, डिटेल मैपिंग के लिए, डिटेल सर्वे के लिए भी स्टेशन क्या होता है, यूजफुल होता है। जो कॉस्ट होगा क्लियरिंग कटिंग या वो मिनिमम होना चाहिए। कोई भी लाइन ऑफ साइट आपकी इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर से नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होता है, जो रेगुलर पैटर्न में ना हो कि इरेगुलर पैटर्न पे रिफ्रैक्शन होता है। जो मेन सर्वे लाइन है या बेस लाइन आप कह लीजिए, वो जो एरिया है सर्वे हो रही है उसके बीच में ही होना चाहिए, बाहर कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है बेस लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, बेस लाइन या बेस लाइन मेजरमेंट। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। ठीक है, जो बेस लाइन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रायंगुलेशन का। ठीक है, अलाइन एंड मेजर्ड विथ ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, बेस लाइन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो अलाइनमेंट है या जो मेजरमेंट है वो उसकी एक्यूरेसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेस लाइन फॉर्म द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम। बेस लाइन की हेल्प से ही या उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन सिस्टम की कंप्यूटेशंस को करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेप हंटर शॉर्ट बेस टैकोमीटर मेजरमेंट। ठीक है, इन सब इक्विपमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बेस लाइन को मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेस लाइन क्या होता है और कैसे हम लोग साइट सेलेक्ट करेंगे बेस लाइन के लिए। ठीक है, तो द एक्यूरेसी ऑफ इंटायर ट्रायंगुलेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन दैट अटेन्ड इन द मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन के ही ऊपर हमारी पूरी एक्यूरेसी डिपेंड करती है ट्रायंगुलेशन सिस्टम की। ठीक है, ट्रायंगुलेशन सिस्टम की एक्यूरेसी आपकी बेस लाइन के मेजरमेंट या उससे ही डिपेंड करती है। ठीक है, अब आता है हमारा टॉपिक कि हम लोग बेस लाइन कैसे सेलेक्ट करें या सेलेक्शन कैसे हम लोग करें। ठीक है, या जो साइट होगी बेस लाइन के लिए वो कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द साइट शुड बी फेयरी लेवल। ठीक है, जो भी साइट होगी बेस लाइन के लिए वो क्या हो, फेयरी लेवल हो, मतलब अच्छे से लेवल हो। ठीक है, द साइट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी साइट हो वो फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो साइट शुड बी फेयरी लेवल, जो भी बेस लाइन की साइट होगी वो फेयरी लेवल होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली लेवल होना चाहिए। जो भी साइट होगी जहाँ पे हम लोग बेस लाइन बनाएंगे वो क्या होगा, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो भी साइट होनी चाहिए वो आपका ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए, मतलब उसमें बेस लाइन की जो साइट होगी उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट द ग्राउंड शुड बी फर्म एंड स्मूथ। जो ग्राउंड होगा वो फर्म होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई भी अंडुलेशन या इरेगुलर चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्थ पॉइंट इज द टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बेस लाइन शुड बी इंटरविजिबल। ठीक है, जो आपके दो एंड्स होने चाहिए बेस लाइन के वो क्या है, इंटरविजिबल होना चाहिए। वो क्या है आपका, इंटरविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जो दो टू एक एक्सट्रीमिटीज होनी चाहिए बेस लाइन की वो इंटरविजिबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो एंड्स हैं उस बेस लाइन के वो आपस में सीन होने चाहिए, मतलब अगर एक एंड पे हम खड़े हैं तो दूसरा एंड हमको इजी गोइंग बेस लाइन का दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द साइट शुड बी सच दैट द वेल कंडीशन ट्रायंगल कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, साइट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसपे हम लोग इजिली वेल कंडीशन ट्रायंगल को बना सकें या फिर ऑप्टेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द साइट शुड बी सच दैट ए मिनिमम लेंथ ऑफ द बेस लाइन एज स्पेसिफाइड इज अवेलेबल। ठीक है, लास्ट पॉइंट यह है कि आपका जो साइट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो बेस लाइन का मिनिमम लेंथ है, ठीक है, वो हमको अवेलेबल हो जाए इजिली। ठीक है, वो आपका क्या हो, इजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो बेस लाइन क्या है, वो लाइन जो आपकी बेसिकली मेजरमेंट्स के हेल्प में या मेजरमेंट्स को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो बेस लाइन हो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेसी को बेसिकली ट्रायंगुलेशन सिस्टम में चेक करते हैं।
अब बेसलाइन के साइट को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसके 6 पॉइंट्स थे जो उन्होंने डिस्कस किया। पहला, फेयरली लेवल होना चाहिए ग्राउंड, ऑब्स्ट्रक्शन फ्री ग्राउंड होना चाहिए, फर्म एंड स्मूथ होना चाहिए, दो जो एंड्स हैं बेसलाइन की वो इंटरविजिबल होना चाहिए, साइट ऐसा होना चाहिए हमारा कि वेल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग को मिल सके, और साथ ही साथ जो मिनिमम लेंथ होता है बेसलाइन का उसको भी हम लोग अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेजरमेंट ऑफ बेसलाइन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एरा में कैसे हम लोग बेसलाइन की मेजरमेंट करते थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका ए फिगर दिख रहा है उसमें देखिए ये बताया गया है कि जब 18 और 19 सेंचुरी में हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम करते थे तो उस केस में हम लोग वुडन बार्स का इस्तेमाल करते थे ट्रायंगुलेशन सिस्टम को या बेस लाइन के मेजरमेंट में, मतलब वुडन बार्स था उसके एक सर्टेन लेंथ का, उसको हम लोग यूज करते थे आपके बेस लाइन के मेजरमेंट में। ठीक है, जैसे ही हम लोग थोड़ा सा अपडेट हुए फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हम लोग ने इनवायर वायर का यूज किया, ठीक है, बेस लाइन के मेजरमेंट में। लेकिन अब इस समय पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपके करंट चल रहा है, इस समय हम लोग क्या है ईडीएम का यूज कर रहे हैं आपके बेस लाइन के मेजरमेंट में। ठीक है, तो 18th एंड 19th सेंचुरी में हम लोग वुडन बार से क्या करते थे, बेस लाइन का मेजरमेंट करते थे। फर्स्ट हाफ जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसमें हम लोग किससे यूज करते थे, इनवार वायर से। अब जो इस समय यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम में जो आपका यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, ईडीएम यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के इक्विपमेंट से एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग या मेथड से कैसे हम लोग बेस लाइन मेजर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, करेक्शन फॉर बेस लाइन मेजरमेंट। ठीक है, बेस लाइन मेजरमेंट में क्या क्या करेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारे करेक्शन हम लोग चेन करेक्शन और टेप करेक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बेसिकली टेप करेक्शन में ये सारे करेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला करेक्शन है वो क्या, करेक्शन फॉर द एब्सोल्यूट लेंथ। एब्सोल्यूट लेंथ के केस में क्या करेक्शन होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर पुल और टेंशन, करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर स्लोप, करेक्शन फॉर अलाइनमेंट और रिडक्शन टू मीन सी लेवल। ये सारे करेक्शन हम लोग तब करेंगे जब आपका हम लोग बेस लाइन मेजरमेंट बाय टेप करेंगे। ठीक है, जब हम लोग बेस लाइन का मेजरमेंट अगर टेप से करते हैं तो उस केस में हम इन सब करेक्शंस को यूज करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेजरमेंट डिवाइस से कर रहे हैं तो उसमें इन सारे करेक्शंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग टेप से बेस लाइन का मेजर करेंगे तो हम लोग पर्टिकुलरली इस करेक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे का। ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसको एक बार ब्रीफ आउट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगुलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट आर द प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम लोगों ने पर्पस क्या होता है, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम लोगों ने प्राइमरी ट्रायंगुलेशन पढ़ा, उसके स्पेसिफिकेशन, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन पढ़ा उसके स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट हम लोगों ने टर्शियरी ट्रायंगुलेशन पढ़ा उसके स्पेसिफिकेशन। फिर हम लोगों ने लेआउट पढ़ लिया, लेआउट में सिंपल ट्रायंगल, ब्रेस और सेंटर ट्रायंगल्स एंड पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्या क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी फिगर को सेलेक्ट करने में, लेआउट ऑफ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन के क्या लेआउट्स होते हैं, तो उसमें दो मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा, एक ग्रिड आयरन सिस्टम, एक सेंटर्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पढ़ा वेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या होती हैं। फिर हम लोगों का टॉपिक था स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या होता है, फिर स्टेशन मार्क्स, सैटेलाइट स्टेशन और सिग्नल्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, और उसके बाद फिर आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था आपका प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सिग्नल से। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट यूनिट का एक और टॉपिक कवर हो गया जो था ट्रायंगुलेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, जो हम लोग फर्दर डेज में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है, उसके कितने केसेस हैं। ठीक है, ओके।